नमस्कार दोस्तों, वीडियो आपने देख लिया होगा। वीडियो पश्चिम बंगाल का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पश्चिम बंगाल में पहुंचे थे और बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच की तनातनी तो अब पूरा देश देख चुका है। बंगाल में चुनाव होने हैं, लिहाजा ममता दीदी को सोशल मीडिया पर किस तरीके से शेयर किया जाता है, ट्रोल किया जाता है, ये भी आप सब लोग अच्छे से देख रहे होंगे। लेकिन एक वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स को ममता बनर्जी को ट्रोल करने का एक और मौका दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर बैठे हैं और ममता दीदी नाराज हो गई। जय श्री राम के नारे लगने क्या शुरू हुए, ममता बनर्जी गुस्से से तिलमिला गई और ज्यादा कुछ न कहते हुए मंच छोड़कर चली गई। देखिए ममता बनर्जी का ये वीडियो सामने आया है, किस तरीके से पीएम मोदी के सामने उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गर्म पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही, ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।